सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच वो बहुप्रतीक्षित मुलाकात जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी थी। दोनों नेता जब सिंगापुर में मिले तो उन्होंने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया, लेकिन अहम बात ये रही कि इस मुलाकात से पहले तक एक दूसरे के प्रति बेहद कठोर शब्दों का प्रयोग करने वाले इन दोनों नेताओं के मिलने के दौरान किम जोंग के पहले वो शब्द क्या थे जिन्हें सुनकर डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुरा उठे, ये अहम है। सेंटोसा के दी कैपेला होटल में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनके बीच ये मुलाकात हुई। अमेरिका और उत्तर कोरियाई ध्वजों के सामने दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े और दृढ़ता से एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इस दौरान हाथ मिलाते वक्त सबसे पहले किम जोंग उन ने ही ट्रंप से सबसे पहले बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर प्रेसिडेंट। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, वास्तव में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, हम एक शानदार चर्चा करेंगे और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित होने वाले हैं। इसके बाद किम ने कहा, यहाँ आना आसान नहीं था, कुछ बाधाएं थी, लेकिन हमने उन्हें यहाँ पराजित किया और आज हम यहाँ हैं। मुलाकात से पहले राष्ट्रपति ट्रंप उत्तर कोरियाई नेता के बगल में बैठे थे। ट्रंप से जब ये पूछा गया कि शुरुआत में कैसा महसूस हुआ तो उन्होंने कहा, वास्तव में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, हम बेहद अच्छी चर्चा करने वाले हैं और हमारे रिश्ते शानदार होंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हाथ मिलाने के बाद दोनों नेता होटल के अंदर चले गए। स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:06 पर वो कमरे में गए जहां अकेले में उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान अनुवादक ट्रंप के बगल में बैठा था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।